मीडिया टुडे में आज हम आए हैं ड्राइवरों की समस्या जानने के लिए। ये लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। मंडला में जैसा कि जानकारी हमारे पास है, यहाँ पर लगभग 450 से ज्यादा बसें चल रही हैं, 2000 से ज्यादा टैक्सीज हैं, 1000 के आसपास यहाँ पे मालगाड़ियां चल रही हैं, और जो टैक्सीज किराए पे चलाई जाती है उनकी संख्या लगभग 3000 है। इस प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पे लगभग 30000 से ज्यादा परिवार जो है उनका रोजगार सिर्फ ड्राइवरी या उसमें हम्माली या उसमें सफाई करने चलता है। ठीक है, इसके साथ जो 450 बसें हमारे यहाँ बस स्टैंड से चल रही हैं उसमें लगभग 30 से 40 हजार यात्री प्रतिदिन सफर करते हैं, वो भी आज प्रभावित है। आइए हम उनसे जानते हैं कि इनकी क्या समस्याएं और ये क्या कहते हैं। ये विषय अंग्रेजों का बनाया कानून नहीं है, हमारे देश के शुभ चिंतकों ने ये कानून बनाया है, और ये प्रावधान हर आम नागरिक को सुरक्षा, हम आम नागरिक की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया है। ये विषय इसको क्यों डाइल्यूट कर रहे हैं कि अंग्रेजों ने बनाया है? पूरी दुनिया के जब संविधान बनते हैं तो पूरी दुनिया के जो संविधानों में से अच्छे अच्छे जो कानून हैं उनको अपने यहाँ पर समाहित किया जाता है। ये ज्यादा राजनीति नहीं चलती कि किसी को अंधकार में रख के आप ये कानूनों की पहलुओं को बात कहते हो। मेरा अपना मानना है कि हम सब प्रभावित हो गए हैं, कोई भी नहीं बचा है। आज मैं मोटरसाइकिल लेके जा रहा हूं, या मेरा ड्राइवर मोटरसाइकिल लेके जा रहा है, या मेरा ड्राइवर कार चला रहा है, तो वो तो रिस्क में है ही, उसका मालिक भी रिस्क में आ गया है। आप कैसे आप इस कानून को अच्छा कह सकते हो? हमें लगता है कि जब सब इस दायरे में आ गए हैं तो इसको, इस पर पुनर्विचार होना चाहिए और इस कानून को वापस लेना चाहिए। थैंक यू। ये जो पूरे भारतवर्ष में जो हड़ताल चल रही है, हम लोगों के लिए जो काला कानून बनाया गया है कि अगर एक्सीडेंटल मामला होता है उसमें 10 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की सजा, ये 150 साल पुराना कानून है जो आज की गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से किसी से ना पूछा है ना आम जनता से बात हुई है, इन्होंने अपना कानून को पारित किया है, जो लगभग हमारे नॉलेज में जहां तक बात आई है वो 1 अप्रैल से लागू होने वाला है। उसी का विरोध आज हम पूरे भारतवर्ष में मिलकर चालक परिचालक संघ इसका विरोध कर रहा है, और जब तक ये काला कानून वापस नहीं होता है हम इसका विरोध जारी रखेंगे और शांतिपूर्वक ही रखेंगे। हमारे पास जो आकस्मिक चिकित्सा सेवाएं हैं और जो भी इमरजेंसी सेवाएं हैं हम उनको बाध्य कभी नहीं करेंगे। व्यवस्था, वाहन व्यवस्था बिल्कुल सुचारू रूप से चलती रहेगी, लेकिन हम शांतिपूर्वक धरना देके हम सरकार को ये चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ये काला कानून वापस नहीं हुआ तो आज ये शांतिपूर्वक जो धरना प्रदर्शन हो रहा है ये अगर आगे जाके कोबरा आंदोलन में सम्मिलित हो सकता है। इसकी जवाबदारी शासन और प्रशासन की होगी, ना कि हम लोगों की। फिर भी इंडियन गवर्नमेंट ने जो हमसे बिना पूछे ये काला कानून जो लागू किया है जिसमें 10 साल की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माना का जो प्रावधान रखा गया है, कोई भी ड्राइवर कभी नहीं चाहता कि एक चींटी उसके एक टायर से दब जाए। ये दुर्घटनाएं घटित होती रहती है, इसके लाने कानून बनना चाहिए, लेकिन अच्छा कानून बनना चाहिए, ना कि ड्राइवर के ऊपर दबाव बनाया जाए। अब वो कहते हैं कि अगर घटना घटती है तो आप मरीज को उठाकर अस्पताल ले जाए, उतने बीच में तो जनता पब्लिक मत डालेगी ड्राइवर को, तो वो अपनी जान बचाए, 10 लाख रुपए दे या 10 साल की सजा काटे। ऐसे में सर फिर हमको तो ड्राइविंग करने से परहेज होगा और फिर हम जो है तो दिहाड़ी करना पसंद करेंगे मगर ड्राइविंग करना पसंद नहीं करेंगे। इससे जो है जो गवर्नमेंट का नुकसान है, ना कि हमारा है। लगभग 2000 ऑटो मंडला में संचालित होती है, और जहाँ तक ये काले कानून का सवाल है, ये कानून नहीं है, तानाशाही है। एक प्रकार से जनता के ऊपर डायरेक्ट अत्याचार है। कोई भी ड्राइवर जानबूझकर किसी भी प्रकार की इस तरह का हादसा करना नहीं चाहता, ना उसके हाथ से हो ऐसा वो चाहता है। ऐसे बहुत सारे हादसे होते रहते हैं, उसके ऊपर कानून बनना चाहिए, पर ऐसा कानून नहीं कि जिससे कोई परिवार पूरा खत्म हो जाए। एक एक ड्राइवर का परिवार कैसे गर्जे से लोग गाड़ी खरीद रहे हैं, कैसा अपना परिवार चला रहे हैं, सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और जब तक ये कानून वापस नहीं होगा तब तक ये हड़ताल निरंतर ऐसी चलती रहेगी। हम चाहते हैं कि शांतिपूर्वक ये हड़ताल समापन हो और एक खुशखबरी सरकार द्वारा बड़े दिल दिखाकर वो कुछ ऐसा कानून बनाए ताकि सब लोग संतुष्ट हों। अगर वो नहीं चाहेंगे तो लगातार ये हड़ताल चलती रहेगी और लगातार उग्र होती रहेगी, और उसकी पूरी जवाबदारी प्रशासन की होगी। और हमारे यहाँ मंडला में लगभग 3000 से ऊपर
फोर व्हीलर चलती हैं जो बुकिंग में चलती रहती हैं, और चलने से क्या है आवागमन में काफ़ी दिक्कत होती है रोडों में। जैसे किसी को भी मतलब कोई ड्राइवर को कोई प्रकार का हादसा हो जाता है ड्राइवर से, ड्राइवर से हादसा हो जाता है, गवर्नमेंट कहती है ड्राइवर वहीं रुके, यदि ड्राइवर रुकता है तो उसको पब्लिक जिंदा जला देगी या मार डालेगी, ड्राइवर की तो मरना हो गई। ये काला कानून ऐसा बन गया कि न तो ड्राइवर भाग सकता है और न छिप सकता है, छिपने में भी सजा है और नहीं छिपता तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ये काला कानून जो बनाई है इसको जल्द से जल्द वापस ले और कोई ऐसा कानून बनाए जो सबके हित में। 50,000 व्यक्तियों का आवागमन होता रहता है डेली, जिससे दुकानदार से लेकर समस्त लोग बुरी तरह प्रभावित होते हैं। ये धरने से किसी को लाभ नहीं हो रहा है सिवाय नुकसान के, ये नुकसान गवर्नमेंट को भी झेलना पड़ रहा है। उनका ला इसलिए है कि जो ड्राइवर के ऊपर लादा गया है 10 वर्ष की सजा, किसी के एक्सीडेंट होने के बाद मरीज को हॉस्पिटल ले जाना, जब मान लो एक्सीडेंट हो गया है और हॉस्पिटल लेके जाता है उस समय पब्लिक क्या ड्राइवर को छोड़ेगी? ड्राइवर तो खुद सारा सही हो जाएगा, ड्राइवर ले जाकर मारेगा और 10 लाख का जुर्माना उस गरीब के पास कहाँ से आएगा? और 10 साल की सजा जब भुगतेगा तो उसका परिवार का जनजीवन कैसे अस्त व्यस्त होगा, ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। और इस We'll be right back.